टेम्परेचर बढ़ने के साथ चौथा प्रॉब्लम हमारा होस्ट मशरूम ग्रोअर फेस करता है, जो प्रॉब्लम है पिनहेड्स ड्राई होना। अभी जो हमने पहले तीन प्रॉब्लम लगभग डिस्कस करे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेशर, इन्हीं को अगर हमने प्रॉपरली कंट्रोल किया तो चौथा प्रॉब्लम अपने आप मतलब सॉल्व हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम वो आएगा ही नहीं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिनहेड्स लगभग 10-15% ड्राई होते ही है, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर मेंटेन करो, चाहे आप कितना भी ह्यूमिडिटी मेंटेन करो, चाहे आप कितनी भी फ्रेश एयर दो, 10-15% पिनहेड्स ड्राई होते ही है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा 15-20-25% अगर आपके शेड में जितने पिनहेड्स निकल रहे हैं उसमें से अगर बहुत ज़्यादा पिनहेड्स ड्राई हो रहे हैं तो एक्चुअल में जेन्युइन में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 28 से ज़्यादा जा रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है 60% से नीचे, या फिर फ्रेश एयर प्रॉपरली मात्रा नहीं है आपके शेड में, ये इसका कहना है। अगर ये तीनों चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लेते हो तो पिनहेड्स ड्राई नहीं होंगे। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ पिनहेड ड्राइंग पे। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन करो, आपके पिनहेड्स ड्राई होना लगभग बंद हो जाएंगे।